हेलो गाइस, वेलकम टू बैक ए न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो आजकल भाई साहब ये जो मौसम है देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी रहता है, तो मज़ा आ रहा है। एंड अभी अपन लाइफ में ऐसा चल रहा है, अभी ब्लॉग व्लॉग भी नहीं आ रहा होएगा एंड मतलब कुछ वीडियो भी लेट लेट अपलोड होती है, क्योंकि भाई देखो अपन सेशनल एग्जाम है अभी भी। आपा मतलब कि मैं अभी भाई लाइब्रेरी जा रहा था, लाइब्रेरी जाने के मैंने सोचा कि लाइब्रेरी जा ही रहा हूँ, उसके बाद रोशन का फ़ोन टूट गया है, तो मैं जिस फ़ोन मतलब आईफोन से ब्लॉग मतलब शूट करता हूँ वीडियो वो भी रोशन के पास रहता है। तो दो तीन कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है यार एग्ज़ाम, क्योंकि भाई जब सेशनल एग्ज़ाम आते हैं ना बंदे को पेल के रख देते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब कि भाई सच बताऊँ तो अपन अभी पढ़ लेता है, थोड़ी बहुत पढ़ लेता है, पर जो भी मतलब कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आते हैं तो क्या होता है, जैसे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आया तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपका जितना भी प्रैक्टिकल कॉपी है, जो असाइनमेंट है या जो भी आपका जो वर्क रहता है, सारी चीज़ें चेक करानी पड़ती है। उसके बाद मतलब आपको एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ता है। एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए भाई इतनी जगह साइन मोड करवानी पड़ती है ना कि आपा थक जाता है, मतलब सभी लोग थक जाते हैं यार। तो आज जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज भाई ऑफिशियल डेट भी आ चुका है एंड इसके पीछे का मैं कारण भी आज आप लोग को बताऊँगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ये सही हो सकता है। देखो भाई ऐसा है कि जितने भी है मतलब जितने भी ये स्टूडेंट हैं वो बीपीटी हुए या बायोटेक बीबीए बीसीए बीडीएस एंड बहुत सारे ऐसे हर एक कोर्स का क्या सीन है कि हर का सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहा है। बीबीए एलएलबी बीबीए एलएलबी का आज सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, हम लोग का 21 सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट है एंड 30 होते होते हम लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम मेरा भी ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस जब सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके 10 दिन या 15 दिन बाद क्लास न्यू सेशन स्टार्ट हो जाती है, तो मैं सबको आज बताने वाला हूँ न्यू सेशन कब आ रही है एंड न्यू सेशन आने में और कितना टाइम वक्त लगेगा एंड जब आप घर से आओ तो क्या क्या आपको पैकिंग करनी चाहिए। ओके तो पैकिंग का वीडियो तो भाई आता रहेगा, क्योंकि पैकिंग का वीडियो अभी नहीं लाया हूँ, क्योंकि पैकिंग का वीडियो लाने में थोड़ा सा मैं सोचता हूँ क्या रखना है क्या नहीं, ऐसा जो तुम्हारा यूज का होगा वो मैं एक इसके ऊपर पर्सनल वीडियो ले आऊँगा। जो आज का वीडियो भाई सेशनल एग्ज़ाम कब तक होएगा, मतलब सॉरी सेशनल मतलब कि न्यू सेशन स्टूडेंट कब तक आएगा, चाहे बीबीए हो एलएलबी हो बीएससी बायोटेक हो एमबीए हो या जो भी हो, क्योंकि जिसका भी ये स्टार्ट होएगा ना, मान लो कि ये जो बीपीटी वाला है उन लोग का जो मतलब सेशन होता है उन लोग का जो क्लास होता है वो तो भाई बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, पर जो बीबीए वाला हुआ या बीएससी बायोटेक या बीएससी एग्रीकल्चर, देखो भाई बीपीटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि मेडिकल में आता है एंड बीपीटी के बाद बीडीएस एंड जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट आता है उनका रूल अलग रहता है एंड जो भी इधर आता है क्या बोलते हैं जो बीबीओ बीबीए मतलब कि जो फोर्थ ईयर कोर्स में आता है थ्री ईयर कोर्स में आता है, जो कि मेडिकल कोर्स में नहीं आता नॉन मेडिकल होता है, उसका क्या होता है उसका अलग डिपार्टमेंट रहता है। तो दोनों का यही डिफरेंस है, तो इन दोनों का क्लासेस स्टार्ट होने में थोड़ी सी मतलब कि चेंजेज हो सकती है। इसमें ये चेंजेज हो जाती है कि इसका जो मतलब क्लास स्टार्ट होएगा बीपीटी वाला का, या तो उसका 5 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा एंड बीबीए एलएलबी वाला मतलब कि जो बीबीए है एमबीए है जो भाई इधर नॉन मेडिकल कोर्स है उनका जो क्लास स्टार्ट होगा वो 5 दिन बाद होएगा, 5-10 दिन मतलब कि बाद ही हो सकता है। तो भाई न्यू सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है मैं बताऊँ। देखो भाई न्यू सेशन अभी स्टार्ट होने का मतलब चांसेस अभी 15 अगस्त को है, पर जो बंदे 15 अगस्त तो क्या होगा कि 15 अगस्त में न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो 15 अगस्त जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो उससे पहले जो बच्चे बिहार से या जो दूर से जो कि यहाँ का जो लोकल है या आसपास के, उनके लिए तो कोई सीन नहीं है, पर जो बच्चे यहाँ से दूर के हैं जैसे कि बिहार के, क्योंकि मोस्टली मेरे जो मतलब कि मोस्टली इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं ना जैसे 40% भाई बिहार के ही हैं, तो बिहार वाले स्टूडेंट का क्या सीन होगा उसके आने के लिए, भाई ट्रेन भी तो मिलनी चाहिए। तो देखो भाई आप लोग को एक ही बात बताऊंगा, देखो भाई अगर आप लोग सच में चाहते हो ना टाइम पे आना तो भाई आप मतलब तुम लोगों को भाई तत्काल टिकट ही लेना पड़ेगा। कैसे लेना, अगर आप लोग को तत्काल टिकट से रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन का इंस्टाग्राम है, वहाँ फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप बातें भी कर सकते हो मेरे से। देखो भाई थोड़ा सा भी एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा सा रिप्लाई जाने आने में लेट हो सकता है, तो भाई बुरा नहीं मानने का। ओके सब भाई मिल के चलना पड़ता है सेमेस्टर एग्जाम में, अपना भी आपन भी क्या कर सकता है, अगर एक सेमेस्टर एग्जाम में री आ गई ना भाई हंचो मेरा घर वाले मेरे को जूते मार के बाहर निकालेंगे, इसलिए भाई सेमेस्टर एग्जाम में अपन को री नहीं आना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बख्शो दिया काफ़ी है, फिर से आएगा एंड कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो में कैसे किस चीज़ पे लानी चाहिए, जो कमेंट करोगे। और बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला का बहुत जल्द मैं टूर करवाने वाला हूँ, इंतजार करो यार, हर चीज़ पॉसिबल है बस टाइम के साथ।